So yes, good evening everyone. Welcome to the currency simplified session. In today's session we'll decode the candlesticks patterns. So hum kafi time baat karte fundamental, technical, kafi sari cheeze hoti hai usme. So in today's session we have decided to share our knowledge on the candlestick patterns. To do the same we have Mr. Ian Gonsalves with us. So he is the technical analyst. So Ian, I think you can start the session. Thank you Pinkesh, and first of all good evening one and all. Actually it's bada thank you aap sabhi logo ko market as ke baad bhi hamare sath bane rehne ke liye. As rightly said by Pinkesh, currency simplified ke through hamara wahi koshish hai ki हर सेशन विद एवरी सेशन वी प्रोवाइड यू मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज. एंड आज भी जो मैं पैटर्न्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ दे विल बी एन एडिशन टू योर ट्रेडिंग आर्सेनल. सो यू कैन यूज दोज पैटर्न्स एंड इंक्रीज एंड एफिशिएंटली यूज इट फॉर योर प्रॉफिटेबिलिटी. येस विद दैट सेड जो भी मैं पैटर्न्स आज डिस्कस करने वाला हूँ दे शुड नॉट बी यूज एज सोलो पैटर्न्स या फिर सोलो बाइंग या सेल सिग्नल्स के लिए यूज नहीं करना चाहिए. आपको यू हैव टू यूज इट विद कंजंक्शन विद अदर इंडिकेटर्स एंड अदर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज. सो टू स्टार्ट विद दिस सेशन जस्ट अ मिनट आई शेयर माय स्क्रीन. इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस यान. यस ओके. सो टुडेज एजेंडा इज कैंडलस्टिक पैटर्न्स. ओके कैंडलस्टिक पैटर्न्स में मैं आज आपको चार्ट्स में कोई भी इंडिकेटर्स इंक्लूड नहीं करूंगा. सिर्फ और सिर्फ प्योरली प्राइस एक्शन हमें क्या बताना चाहता है. प्राइस एक्शन के थ्रू आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो. प्राइस की सिर्फ पैटर्न देख के प्राइस एक्शन को देखकर आप कैसे ट्रेंड प्रेडिक्ट कर सकते हो ये मैं आज आपको बेसिक सिखाऊंगा ताकि आप एक आपको क्लियर पिक्चर आ जाएगा सिर्फ कैंडलस्टिक को देख के कि व्हाट पोजीशंस यू ऑल शुड मेक और व्हाट पोजीशंस यू ऑल शुड अवॉइड. सो टॉकिंग अबाउट कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स से पे जंप करने से पहले वी शुड नो व्हाट अ कैंडलस्टिक इज. सो टॉकिंग अबाउट अ कैंडलस्टिक वन मिनट व्हाट इज अ कैंडलस्टिक. हियर यू कैन सी अ फिगर एट द राइट हैंड साइड. कैंडलस्टिक इज एक्चुअली अ चार्टिंग टेक्निक जो जापान में ओरिजिनेट हुआ था. जापानीज चार्टिस्ट दे एक्चुअली इन्वेंटेड कैंडलस्टिक पैटर्न्स. द नेम कैंडलस्टिक इट कम्स बिकॉज इट लुक्स लाइक अ कैंडल. इट रिजेंबल्स अ कैंडल. अगर आप यहाँ पे देखोगे जस्ट अ मिनट आई विल हाईलाइट इट. हियर हियर देयर इज अ कैंडल एंड अ कैंडलस्टिक बेसिकली हैज फोर डेटा पॉइंट्स. वन इज ओपन हाई लो एंड क्लोज. सो ये चार डेटा पॉइंट से एक कैंडलस्टिक बनता है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस लाइन इट इज एक्चुअली कॉल्ड अ अपर शैडो. It can be called as a shadow, it can be called as a wick, or it can be called as a tail. Here we will refer to as a shadow, so that pura session mein aapko main shadow hi bolunga isko. But aap ye tino words use kar sakte ho. So here this point is the high, whereas this point here is the low. And the open and close position is determined by the color of the candle. Jo aapka candle ka color hoga, उसके ऊपर आपका ओपन और क्लोज का पोजीशन डिटरमाइन किया जाएगा. जैसे कि अगर आपका क्लोज आपका ओपन से हायर है सो इट इज अ बुलिश साइन. इट इज अ बुलिश कैंडल दैट इज इट इज अ ग्रीन कैंडल. सो जब भी आपको ग्रीन कैंडल दिखेगा तो आपको ग्रीन कैंडल देख के ही पहचान लेना है कि आपका जो उस दिन का क्लोज था वो ओपन के ऊपर हुआ है. वेरास वाइस वर्सा इफ यू गो फॉर अ बेरिश कैंडल. अगर एक रेड कैंडल दिखता है आपको चार्ट पे तो उसका मतलब ये है जो दिन का क्लोज था इट वॉज लोअर देन दी ओपन. सिंपल एज दैट. आई जस्ट गिव अ बेस्ट ब्रश थ्रू. देर इज फोर डेटा पॉइंट्स इन अ कैंडल स्टिक. वन इज द हाई लो ओपन एंड क्लोज. हाई और लो तो आपको ये विक से मालूम पड़ जाएगा ये हाई है ये लो है. बट ओपन और क्लोज का पोजिशन आपको कलर ऑफ द कैंडल से मालूम पड़ेगा. सो ग्रीन कैंडल सिग्निफाइज द क्लोज वॉज ग्रेटर देन दी ओपन. This close was greater than the open, and here in a red bearish candle, the close was lower than the open. So that is the basics of candlesticks. To go forward, candlestick patterns are of two types.
वन इज रिवर्सल एंड वन इज कंटिन्यूएशन पैटर्न. तो दो टाइप के पैटर्न्स होते हैं, रिवर्सल पैटर्न एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न. रिवर्सल पैटर्न में ये होगा, सपोज आपके प्राइसेस एक डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं एंड चार्ट पे आपको एक पैटर्न दिखता है, ठीक है, वो पैटर्न के बाद अप ट्रेंड शुरू हो जाता है. सो दैट पैटर्न वॉज अ रिवर्सल पैटर्न. सपोज देयर इज अ डाउन ट्रेंड, अ पैटर्न अंकर्स एंड देन देयर इज अ बुलिश ट्रेंड, तो उसको बोलेंगे बुलिश रिवर्सल पैटर्न. वेयर हैज अगर आपका अप ट्रेंड चल रहा है, एक पैटर्न बनता है पर अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है, दैट इज अ बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न. वाइस वर्सा फॉर बेरिश. सो दीज आर सम ऑफ द पैटर्न्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. फर्स्ट वील स्टार्ट विद डोजी. कैन यू सी द फोर डोजीज हियर पिंकिश? इज इट विजिबल? यस इट्स विजिबल. ओके, सो टू स्टार्ट विद फर्स्ट, आवर फर्स्ट पैटर्न इज अ डोजी पैटर्न. डोजी बेसिकली एक इनडिसिशन वाला पैटर्न है जो हमें मतलब इनडिसिशन बताता है मार्केट में. यॉल ऑल मस्ट हैव हर्ड कि मार्केट्स 70% ट्रेड इन अ रेंज एंड ओनली 30% ट्रेंड. सो जब ये रेंज में आते हैं ना, तो ये डोजी पैटर्न्स दे वर्क वेरी इंपॉर्टेंटली फॉर अस टू नो दैट नाउ देर इज इनडिसिशन. कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स कैन नॉट गेज कि अभी ये ट्रेंड कंटिन्यू करे कि रिवर्स करे. What happens is doji is a candle without a body. यहाँ पे आपको एक body नहीं दिखेगा. यहाँ पे अगर मैं long leg doji देखूँ, the open and the close is the same. What happened is price market open हुआ, फिर थोड़ा high मारा, फिर बाद में low मारा, उसके बाद people were not sure कि मैं कौन से direction में market को लेके जाऊँ, and the close happened the same as the open. So this shows indecision in the market. That is, the market participants are actually confused where they want to take the prices. So this cross sign, if you spot it in any chart, it is a doji pattern. And this, the reason it is called a long leg doji is because ye upper shadow bahut bada hai aur lower shadow bhi kafi bada hai. That's the reason it is called a long leg doji. Whereas in a dragonfly doji, there is no upper shadow. Yahan pe aapko ek koi upper shadow nahi dikhega. ओपन हाई और आपका क्लोज सेम है, सिर्फ लो लो का शेडो दिखेगा. सो दैट मेक्स अ ड्रैगन फ्लाई डोजी. ड्रैगन फ्लाई डोजी इन इट सेल्फ अगर कभी भी आपको दिखता है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप ड्रैगन फ्लाई डोजी देखते हो, तो आप ये डिराइव कर सकते हो कि द मार्केट्स केम डाउन, द प्राइसेस वर फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग, बट देयर वाज सपोर्ट विटनेस्ड हियर एंड द बायर्स अगेन दे पुश द प्राइसेस अप और क्लोज होते समय ओपन के पास ही क्लोज हो गया प्राइस. This shows कि only dragonfly doji देख के हम ये बोल सकते हैं कि buyers का यहाँ पे weightage भारी था, उन लोगों ने push कर दिया prices and it closed near the open. Whereas vice versa is a gravestone doji where the open, low and close is the same. यहाँ पे आपको सिर्फ एक upper shadow दिखेगा. And then comes the four price doji. ये ऐसा है जिसमें inactive था market, open भी वो ही, close भी वो ही, high और low भी वो ही, कोई कुछ activity नहीं हुई. So all in all these four patterns actually happen when there is indecision in the market. So ये आपको ध्यान देना है कि कभी भी कोई भी trend चल रहा है, suppose there is an uptrend and you spot a doji, then आप वहाँ पे थोड़ा alert हो जाना चाहिए before making any fresh long positions because the uptrend has lost its steam. So you have to keep that in mind. It represents indecision between the bulls and the bears. Next, we will go to हैमर एंड हैंगिंग मैन. ओके, हैमर एंड हैंगिंग मैन, इसमें बेसिकली हैमर में एक बहुत छोटा बॉडी होता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा, देयर इज ओनली अ लोअर शैडो इन अ हैमर, देयर इज नो अपर शैडो. देयर विल बी अ स्लाइट, मतलब थियोरेटिकली देयर शुड नॉट बी अ अपर शैडो, बट व्हेन यू सी इट ऑन चार्ट्स, अ नेग्लिजिबल 2-3 rupees डिपेंडिंग अपन द स्टॉक प्राइस या कमोडिटी प्राइस या करेंसी प्राइस, एक 2-3 paisa इधर उधर चलता है, नॉट एन इश्यू. So when you have a very small body and you have a lower shadow, it is called a hammer. Now आपने ये ध्यान दिया रहेगा, hammer and hanging man both look the same. Why? The reason is it depends upon the location of the pattern. Now जब एक downtrend चल रहा है and ये formation form होता है, यहाँ पे मैं mark कर रहा हूँ, यहाँ पे एक form होता है, then this is called a hammer. It is a bullish reversal. डाउन ट्रेंड के बाद जब भी एक हैमर फॉर्म होता है, वहां से प्राइसेस अप जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं. वेयर एज अगर ये सेम पैटर्न
एक अपट्रेंड के बाद बनता है यहाँ पे. इट इज कॉल्ड अ हैंगिंग मैन. द कलर ऑफ द कैंडल डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. अगर वो रेड होगा, वाइट होगा, ग्रीन होगा, नॉट एन इशू. सिर्फ ये पैटर्न बनना चाहिए. द पैटर्न इज बेसिकली इट शुड हैव अ स्मॉल बॉडी एंड द लोअर शेडो शुड बी ट्वाइस द साइज ऑफ द बॉडी. दैट इज ये जो बॉडी है उसका ट्वाइस द लेंथ होना चाहिए अ हैमर टू बी अ वैलिड हैमर. अगर ये लोअर शेडो छोटा होगा देन इट इज नॉट अ वैलिड पैटर्न. सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि कभी भी आप स्पॉट करते हो ये पैटर्न चार्ट पे तो ये जो बॉडी है उसका ट्वाइस द लेंथ होना चाहिए द लोअर शेडो. सो आई विल जस्ट रन थ्रू द हैमर कैंडल स्टिक फॉर्मेशन इज अ सिग्निफिकेंट बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न. ओके इट अकर्स एट द बॉटम ऑफ अ डाउन ट्रेंड हियर एंड इट हैज अ लोअर शेडो लॉन्ग लोअर शेडो दैट इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द अपर बॉडी. And vice versa, the opposite is hanging man. The hanging man candlestick formation is a bearish sign. Here, uptrend के बाद बनता है ये. जैसे uptrend हुआ और hanging man बना, उसके बाद आपको एक signal मिल जाता है कि okay, यहाँ से मेरे prices turn करने वाले हैं. And you will get a clearer picture कि reversal can occur. Next, we will come to inverted hammer and shooting star. ये same हैंगिंग मैन जैसा ही है. अगर आप देखो तो सिर्फ ये ऑपोजिट है. इसमें हैंगिंग मैन और हैमर में आपको हायर ऊपर में अपर शेडोज नहीं थे, ठीक है, सिर्फ लोअर शेडो था एंड एक स्मॉल बॉडी था. वेर एज यर देर इज हाईली नेग्लिजिबल लोअर शेडो एंड देर इज ओनली अर अपर शेडो दैट इज ट्वाइस द बॉडी. सो द इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन इज अ सिग्निफिकेंट बुलिश रिवर्सल पैटर्न. दैट इज यहाँ पे डाउन ट्रेंड के बाद जब भी आपका एक इन्वर्टेड हैमर बनता है उसके बाद आपको एक बुलिश सिग्नल मिलता है, वहां से कंफर्मेशन मिलता है कि वहां से आपको थोड़ा बाउंस मिलेगा. सेम अगर जैसे मैंने आपको हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में बताया, अगर ये बनता है एक अप ट्रेंड के बाद ऐसा एक इन्वर्टेड हैमर वाला फॉर्मेशन बनता है देन इट इज कॉल्ड शूटिंग स्टार. सो एज आई सेड अर्लियर डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, जो लोकेशन बनता है, जो लोकेशन में बन रहा है वो पैटर्न, उसके उस हिसाब से उसका नेम चेंज होता है. सो इन अ डाउन ट्रेंड दिस इज अ इन्वर्टेड हैमर एंड अप ट्रेंड के बाद अगर ये सेम फॉर्मेशन फॉर्म होता है देन इट इज अ शूटिंग स्टार. दिस बोथ आर रिवर्सल पैटर्न्स. सो दिस द इन्वर्टेड हैमर इज अ बुलिश रिवर्सल एंड योर द शूटिंग स्टार इज अ बेरिश रिवर्सल. नाउ कमिंग टू एनगल्फिंग पैटर्न्स. दीज आर पैटर्न्स विच आर एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ये अपने आप में काफ़ी मतलब वॉल्यूम के साथ भी जनरेट होते हैं और अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स देते हैं. दैट इज कभी भी कोई भी ट्रेंड में, सपोज ये डाउन ट्रेंड हो रहा है, ठीक है, एंड एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, द नेक्स्ट कैंडल द एंटायर बॉडी ऑफ द कैंडल इफ इट इनगल्फ्स द प्रीवियस बॉडी. दैट इज जो सेकेंड कैंडल है उसका बॉडी अगर पहले कैंडल को पूरी तरह इनगल्फ कर देता है, कवर कर देता है, then it is a engulfing pattern. अगर ये डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है then it is a bullish engulfing. और ये अगर अप ट्रेंड के बाद बन रहा है तो ये bearish engulfing हो गया. So it is as simple as that. It is also called as a outside candle. इसको outside इसके लिए बोलते हैं क्योंकि जो पहला कैंडल होता है इट्स अ टू कैंडल फॉर्मेशन. जो पहले कैंडल होते हैं वो स्मॉल इन साइज होगा एंड जो सेकेंड कैंडल होगा दैट विल बी अ बिग साइज कैंडल, अ ह्यूज साइज कैंडल विच विल कवर the body of the first candle. So here the wicks is not important. जो ये shadows है वो important नहीं है. सिर्फ और सिर्फ आपका जो body है वो cover होना चाहिए. So आपका जो पहला छोटा body अगर cover हो गया तो that makes it a engulfing pattern. So I'll just run through it once. We only look at the bodies to determine engulfing candles. It is where the body of the current candle completely swallows the body of the previous candle. As I said, the bullish engulfing pattern is a two candlestick pattern that signals a strong up move may be coming. It happens when a bearish candle is immediately followed here by a bullish candle and vice versa for bearish engulf. So now we will come to Morningstar. Just a minute. Yes,
yeah, morning star and evening stars. Okay, so morning star and evening stars are basically three candlestick patterns. Yeah, they are formed by three candlesticks. पहले मॉर्निंग स्टार में आपको बता देता हूँ. मॉर्निंग स्टार एक्चुअली एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है. यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चालू हो गया. ओके, देयर इज अ रेड कैंडल. द फर्स्ट कैंडल इज अ रेड कैंडल. द सेकंड कैंडल एक्चुअली ओपन्स डाउनवर्ड्स एंड देयर इज अ स्मॉल इंडिसिशन इन द मार्केट. आप देख सकते हो ये एक छोटा कैंडल है, उसका बॉडी काफी छोटा है एंड वहां पे इंडिसिशन चल रहा है. और जब आप थर्ड डे देखते हो, थर्ड डे द कैंडल इज अ बिग ग्रीन कैंडल. This tells us that the downtrend has ended and uptrend has to is going to follow. So Morningstar is a visual pattern made up of a tall black candlestick here, a smaller black or white candlestick. The second candle ka color is not important. Jo second candle hamara middle candle hoga, uska color important nahi hai. Uska color kuch bhi ho sakta hai, red bhi ho sakta hai, green bhi ho sakta hai. The criteria is just that ki it should be below the first candle. And the third candle should be a green candle. The first candle will be a red candle. The second candle's color is not important. And the third candle should be a green candle. So this three candlestick pattern is called a morning star candlestick pattern. And the opposite, if we go to see, is a evening star. Evening star mein continuous bullish trend ho raha hai. Aapko ek achha green candle dikhta hai. Phir day two pe आपको एक ऐसा स्पिनिंग टॉप, जिसको एक स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, जब एक छोटा बॉडी होता है एंड विक्स होते हैं, उसको एक स्पिनिंग टॉप बोलते हैं. स्पिनिंग टॉप इज ऑल्सो इनडिसिशन पैटर्न विच शोज अस दैट देयर इज इनडिसिशन इन द मार्केट. पीपल आर नॉट सर्टन अबाउट द ट्रेंड. तो यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बन रहा है और फिर उसके बाद एक रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रहा है. दिस इज अ इवनिंग स्टार विच शोज अस दैट नाउ द अप ट्रेंड हैज लॉस्ट इट्स स्टीम एंड द डाउन ट्रेंड इज गोइंग टू कम इन. So this was morning star and evening star. Now we will go to bullish harami pattern. Okay, bullish harami pattern is a Japanese, all the patterns are Japanese candlestick patterns, but the harami term, harami is a Japanese word, which is also known as, which is the word for pregnant lady. Okay, that which here you can see the first candle and then the second candle is within the first candle. It resembles as a pregnancy state. That's why it is, the term comes as harami. And why we call it as a bullish harami pattern is ki ek downtrend ke baad, jab aapko ek downtrend milta hai, yahan pe ek achha red candle milta hai, uske baad a small candle is within the body of the first candle and it is green in color, it is bullish harami pattern. It is also called as inside bar. इट इज द ऑपोजिट फॉर इनगल्फिंग पैटर्न्स. इनगल्फिंग में हमने देखा था कि इनगल्फिंग में आपका जो सेकेंड कैंडल है पूरी तरह वो कवर कर देता है फर्स्ट कैंडल को. वेर हैज हरामी पैटर्न में विच इज अ इनसाइड पैटर्न, इनसाइड बार, उसमें द सेकेंड कैंडल इज स्मॉल, इज अ स्मॉल कैंडल, इट इज विद इन द बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल. सो आई जस्ट रन थ्रू अ कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न इन विच अ लार्ज कैंडल स्टिक इज फॉलोड बाय अ स्मॉलर कैंडल स्टिक. दैट इज विच हैपेंड हियर. डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छा रेड कैंडल दिखा, फिर एक छोटा ग्रीन कैंडल था बट इट वॉज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल. इन टर्म्स ऑफ कलर्स द फर्स्ट कैंडल हैज टू बी अ रेड कैंडल, वेयर हैज द सेकेंड कैंडल हैज टू बी अ ग्रीन कैंडल. और जैसे ही प्राइजेस फिर ये फॉर्मेशन के ऊपर जाएंगे तो आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा ये पैटर्न का. दिस इज द बेरिश हरामी पैटर्न. दिस इज द सेम एज द बुलिश हरामी बट it happens as I repeated, all the candlestick patterns are based on their location. Jo bhi location mein, jaise location mein un log bante hai na, waise unka naam bhi derive kiya jata hai. To ye uptrend ke baad ban raha hai, ye uptrend ke baad ban raha hai, iske liye yahan pe green candle tha bada and uske baad yahan pe chota indecision wala red candle hai. This is called a bearish harami pattern. The reason it is called a bearish harami, it is because it was formed after uptrend. So these were the two patterns. Now we can come to piercing line pattern. Piercing line pattern is one of my favorite patterns. It is actually very strong. And if you aap agar backtest karoge, aap check karoge, ye patterns bahut zyada form hote hain aur actually kafi acha signal bhi dete hain. To agar aap isko track karoge to acha hoga. Piercing pattern is actually a bullish reversal pattern. Ek downtrend ke baad form hota hai.
suppose ek down trend chal raha hai, there is a bearish candle, and next day there is a gap down hone ke baad agar candle 50% ke upar close hota hai previous candle ke, then it is a piercing pattern. That is, it shows that bearish trend ke baad ek gap down hua, but the participants could not sustain the lower prices and bulls pushed the prices up ahead, and that too it pierced the 50% line of the previous candle. So that's the reason the name suggests piercing pattern, ki jo last day ka pura downfall tha wo pura cover karke wapas ek bullish candle acha form hua hai, which shows ki yahan se ek reversal imminent hai aur yahan se ek reversal shuru ho sakta hai. So the piercing line pattern is a bullish candlestick pattern. Yahan pe do candles lagenge. First candle will be a bearish candle. Day one will be a bearish candle. Day two will be a bullish candle. That is, gap down ke baad the prices will close 50% above the previous candle. So piercing pattern will often end a minor downtrend. Ye ek downtrend ko end karte hai. The green candle will close above the midpoint and open. Midpoint and opening of the criteria is the midpoint. The midpoint of the bearish candle, that is more than halfway up the red candle. The opposite of this pattern is the dark cloud cover. Usi pattern ki tarah ye pattern bhi same hai, but farak yahi hai ki ye uptrend ke baad banega. To the first year dark cloud cover pattern mein first jo candle hota hai wo green candle hota hai. और जो आपका सेकेंड कैंडल होगा वो एक गैप अप में खुलेगा. गैप अप खुल के जो फर्स्ट कैंडल है उसका 50% रिट्रेस करके नीचे क्लोजिंग देगा. सो दिस शोज कि द बुल्स वर ट्राइंग टू गेट द प्राइस अप एंड अप एंड अप, बट दे कुडंट सस्टेन. वहां पे रेजिस्टेंस फिक्स किया एंड एंड ऑफ द डे दे हैव क्लोज्ड डाउनवर्ड्स. सो दिस इज द डार्क क्लाउड कवर पैटर्न. डार्क क्लाउड कवर विल ऑफन एंड अ माइनर अप ट्रेंड. The red candle will close below the midpoint, that is 50% of the bullish candle, that is more than halfway of the green candle. So yeah, maine aapko most of the patterns bata diya. I know it is very difficult ek hi session mein itne sare patterns grasp karne ke liye, but to make it easy for you all, what I'll do is on our software I will run through some I'll run through this on the software so that we can just see. This is our Trade Express Plus software, which is our in-house software. Okay, maine charts mein yahan pe aapko mera charts dikh raha hai. Pinkies, is my chart visible? Yes, Ian, it's visible. Okay, to yahan pe friends agar aap dekhoge, ye maine 15 minutes ka chart liya. This is a USD INR June chart. Okay, यहाँ पे पहले तो मैंने एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया. ओके, आई डिडंट यूज एनी इंडिकेटर्स बिकॉज जितना आप नॉइज अवॉइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन देखेंगे इट विल बी बेटर फॉर यू. व्हाट आई विल डू इज मैं जो देख सकता हूँ वो पैटर्न्स एक बार हाईलाइट कर लेता हूँ आपके लिए. सी हियर, आपको यहाँ पे दिखता होगा दिस रिजेंबल्स अ इवनिंग स्टार. ओके, देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड. उसके बाद यहाँ पे एक इनडिसिशन वाला कैंडल बना, लॉन्ग विक बना, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना. एंड इफ यू सी द मूवमेंट दैट हैज फॉलोड, इट इज कंटिन्यूअसली डाउनसाइड. सो दिस वाज अ गुड इंडिकेशन कि यहाँ पे ट्रेंड हैज लॉस्ट इट्स स्टीम एंड नाउ इट इज कमिंग डाउनवर्ड्स. वी विल जस्ट चेक मोर पैटर्न्स ऑन द सेम. अब मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, हम लोग और एक कोई पैटर्न चेक कर लेते हैं अगर हमको दिखता है पैटर्न. ओके, आई फाउंड वन. Okay, I found one. Just a minute, I'll draw it. Year. अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे year. See, this is a bearish engulfing. The first candle, the second candle is engulfing it entirely. यहाँ पे आया uptrend, उसके बाद bearish engulfing form हुआ and it couldn't break these highs. मैं high दिखा देता हूँ आपको. यहाँ पे high है 73.29 का. ठीक है, उसके बाद 29 ब्रेक नहीं कर पाया एंड डाउनवर्ड्स. सो दीज पैटर्न्स, अगेन आई विल से दैट इसको अकेले मत यूज कीजिए एज सिग्नल्स. यू हैव टू यूज इट इन कंजंक्शन विद अदर इंडिकेटर्स एज वेल. आई स्टिल गिव यू वन मोर एग्जांपल सो दैट
on the chart, you all can see here I have marked 1 minute here. ये देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे पूरा इनगल्फ कर दिया है. दिस इज अ बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न एंड इट अगेन कम्स डाउन इट सेटल्स हियर एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई विल अगेन मार्क दिस. ये देखिए दिस इज अ बुलिश हरामी पैटर्न हियर. एक छोटा कैंडल बना है विच इज इनसाइड द बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल. उसके बाद भी आपको देखो एक अच्छा डिसेंट मूव, एटलीस्ट डिसेंट बाउंस मिला उसके बाद, एंड एटलीस्ट यू कुड डू अ स्मॉल ट्रेड हियर. सो इफ वी सी कि दीज पैटर्न्स आर एक्चुअली कैचिंग बॉटम्स एंड टॉप्स वेरी इफेक्टिवली, तो अगर आपके स्ट्रैटेजी के साथ इसको क्लब करते हो और आप यूज करते हो तो आपको काफी अच्छे सिग्नल्स मिल सकते हैं. अगेन आई विल गिव यू वन स्मॉल एग्जाम्पल. देखिए यहाँ पे एक छोटा कैंडल बना, उसके बाद सेकेंड कैंडल एनगल्फ द फर्स्ट कैंडल एंटायरली. दिस इज अ बुलिश एनगल्फिंग एंड ये जैसे ही ऊपर गया वहां से देखो कंटिन्यूस आपको अप मूव मिला है. बट विद दैट सेड मैं ऑल्सो आपको एक ब्राउनी पॉइंट देना चाहता हूँ. यहाँ पे जो आपने इवनिंग स्टार देखा है, इफ आई ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन हियर, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. हाँ मैंने ड्रॉ कर लिया है. अभी हम लोग चेक करते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इज दिस पॉइंट ऑफ एनी सिग्निफिकेंस इन प्रायर डेटा. ये देखिए 1 मिनट आई विल मार्क इट. दिस पॉइंट एंड this point. 1 minute here. So these are the levels. यहाँ पे resistance लिया था, यहाँ पे support लिया था, and again if we go to see in the current charts, it is the same level जहाँ पे evening star बना है. So the levels are very important. ये जो patterns यहाँ पे बनते हैं वो हम लोग को ये बताते हैं कि previous resistance levels भी के अगर previous resistance levels की जगह ये same patterns बनते हैं, then you get an extra confirmation कि हाँ यहाँ से prices घूमने वाले. So that's the reason these patterns play an important role. If these patterns occur near support and resistance levels, तो आपको वो position लेना ही है, कि काफी अच्छा कंफर्मेशन आ जाता है वहां पे. सो यस ओवरऑल दिस वाज फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई होप इट वाज एन इंटरएक्टिव सेशन एंड आई एम ओपन टू क्वेरीज. थैंक यू इयान. दैट वाज अ वंडरफुल brief about the candlestick patterns. I hope we can continue this kind of sessions in going forward, and we can have some advanced learning as well. So definitely we'll do that. So now we have kept the forum open for the question and answers. You all can write it in our Q&A portion. Also, I would request all of you to please do the pollings. The polls are available. The feedbacks, your feedbacks are valuable to all of us. So that will help us to improve our on our part also. So yes, Mr. Rana Sunil, you are allowed to talk. Please unmute yourself and ask the question. Namaskar sir. Namaskar sir, bataiye. Sir, मुझे ये पूछना था, जो ये candlestick जो ये pattern दिखाए गए हैं, ये किस time पे लगाने अच्छे रहते हैं? Time frame क्या रहना चाहिए chart का? Yes, sir. मैं audible हूँ sir? हाँ आप audible हैं sir. हाँ मैं ये बोल रहा था सर, ये एक्चुअली कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन से भी टाइम फ्रेम में अच्छे चलते हैं. सिर्फ इसमें फर्क ये है, जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम बढ़ाओगे ना, अभी तो मैंने 15 मिनट्स यूज किया था, ठीक है, तो मुझे ज्यादा पैटर्न्स दिख रहे थे. आप जैसे उसको आर्ली या फिर डेली पे करोगे ना, तो आपका सिग्नल्स, नंबर ऑफ सिग्नल्स कम हो जाएगा बट उनका रिलायबिलिटी बढ़ जाएगा. तो अगर आप पोजिशनल हो या फिर स्विंग ट्रेडर हो तो आप डेली के चार्ट्स पे इसको स्पॉट कर सकते हो, बट इसका रिलायबिलिटी ओवरऑल आप हर एक टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो. बट जैसे जैसे
टाइम फ्रेम बढ़ाओगे ना तो रिलायबिलिटी बढ़ेगा। और सर क्या मेरे को इसकी पीपीटी मिल जाएगी सर? श्योर पिंकेश विल शेयर इट विद यू। यस पिंकेश, यस यस विल सर, सेंड कर दीजिए आप। सर आप अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए चैट बॉक्स में, आई विल सेंड इट। नो वरीज, मैं भी करता हूं। थैंक यू सर। यस मिस्टर भावेश चित्रोड़ा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। हेलो, यस ईएनजी से बात? हाँ बोलिए ना जी। हाँ भावेश जी बोलिए। सर ये डार्क क्लाउड कंपनी है अपना, डार्क क्लाउड अपना, वो एक स्क्रीन लाइए एक बार। हाँ हाँ जरूर, एक ये वाली ना। यस अब इसमें कैसे रहता है कि दो पैटर्न, दो जो ये है कैंडल स्टिक्स, करेक्ट, इसके अकॉर्डिंग थर्ड कैंडल स्टिक कैसा बनेगा? मीन्स यस यस ये डाउन साइड रहेगा जो थर्ड कैंडल बोल रहे हैं आप। हाँ थर्ड कैंडल। हाँ मैं इसमें आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अभी आपको फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल दिख रहा है, करेक्ट? ओके। ये सेकंड कैंडल गैप अप हो गया 50% के डाउन साइड में, क्लोजिंग दे दिया, ठीक है? जो थर्ड कैंडल है, ठीक है, वो उसका कंफर्मेशन आपको कभी मिलेगा मालूम है? फर्स्ट कैंडल का लो टूट गया ना, अगर फॉर्मेशन का जो लो है, मतलब ये पूरा टू कैंडल स्टिक फॉर्मेशन का जो लो है, दैट इज द फर्स्ट कैंडल का लो, वो टूट गया ना, तो वहां पर आपको कंफर्मेशन आ जाता है कि यहाँ से आपको सेल पोजिशन बनानी है। ओके, एंड अगर अगर ऊपर ओपन हुआ तो बाई साइड पोजीशन बनेगी, राइट? वो कंटिन्यूएशन हो जाएगा, वो एक्चुअली ये नेगेट हो जाता है फिर। अगर आप पियर्सिंग लाइन में कर रहे हो तो वो कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से जब ये फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है ना, तो आप दोनों साइड में पोजीशन मत लो, थोड़ा रुक जाओ। क्योंकि क्या हो जाता है ना, जब भी ऐसे फॉर्मेशन ब्रेक मतलब का फॉल्स सिग्नल मिलता है ना, वो विपसॉ देके वापस नीचे आ जाता है। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा रुक जाइए और फिर नया पैटर्न बनने के बाद आप पोजीशन लीजिए। ओके, मींस थर्ड पैटर्न बनने का वेट करने का, उसके बाद करेक्ट आपका आपका मेन ये पैटर्न वाज अ बेरिश पैटर्न, राइट? आप वो बेरिश सिग्नल अगर नहीं बना तो आप बुलिश में मत जाओ, आप बुलिश के लिए रुको, फ्रेश पैटर्न बनने के लिए आप रुको। ओके ओके नो, यस यस। So Yan, your PPT is quite a much in demand. We are receiving quite a number of email IDs for the same. So, yes, yes, I'll share it with you. So no, also to just to inform all of you, this particular session will be uploaded on our YouTube channel as well of the official Anand Rathi ID. So you can go through this session through our YouTube channels also. You just need to subscribe the Anand Rathi channel and then you will be receiving all the webinar recordings over there. So yes, two participants have raised the hand. Mr. Ajit Singh, kindly unmute yourself and ask the question. Sir, good evening. Good evening. Sir, actually, मेरे को ये जानना था कि actually ये जो candlestick pattern है, ये book मैं अभी खरीद के लाया था महीने भर पहले, तो मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन इसमें problem क्या आती है कि सर जो अपन theory में पढ़ते हैं ना, exactly वैसी pattern नहीं बनते हैं और थोड़ा सा उसमें बड़ी दिक्कत आ जाती कि कैसे करें उसको। आपको बोला था हैंगिंग मैन में भी और शूटिंग स्टार में भी, जरूरी नहीं है कि वो वैसे ही बने, बिकॉज थियोरेटिकली इन बुक्स वैसे वैसे लिखा गया है, लेकिन जब आप चार्ट्स में हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार का तो क्लियर है, क्योंकि उनकी जो पोजीशनिंग होती है ना, हाँ,
अगर शूटिंग स्टार ऊपर बनेगा तो वो सेल साइड सिग्नल है, करेक्ट, और हैंगिंग मैन का कोई उसमें है नहीं ऐसा, लेकिन इस पे पोजीशन की दिक्कत है। उसमें क्या सर, मैं देखता हूँ तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम ये आती है, मतलब जैसे अपन थ्योरिकल पढ़ते हैं ना वैसे पूरा वैसा एक्यूरेट नहीं आता उसमें चार्ट में, उसमें बड़ा डिफरेंस रहता है। तो उसमें क्या है कि अपने वो असिस्टेंसी मिल जाए साथ के साथ थोड़ी सी, तो उसमें क्या सोने पे सुहागा हो जाता है। यस सर, तो हम लोग वही करेंगे सर, हम लोग के साइड से वही ट्राई रहेगी कि जितना हम लोग ये एडुकेशनल सीरीज करते रहना, जितना हम लोग को मौका मिलेगा हम करते रहेंगे, एंड आपको क्लैरिटी भी मिलते रहेगा आगे। वेलकम सर। सर मैं आपको कभी कॉल कर सकता हूँ आपको पर्सनली? ये सारी डिटेल्स, सो दिस आर आवर कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, आप हम में से किसी को भी कॉल कर सकते हो। थैंक यू सर। वेलकम सर। प्लीज सजेस्ट एनी बुक ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न। इयान बुलकोवस्की का एक बुक है, 1 मिनट आई विल जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स इटसेल्फ, सो दैट विल बी हेल्पफुल। सर मैं ये पूछना चाह रहा था। बताइए राणा जी, बताइए बताइए सर। सर मैं पूछना था, जैसे मुझे चार्ट में अगर कोई चीज पूछनी हो तो मैं टेक्निकली किससे किससे पूछूं सर? सर हमारा, हाँ हमारी एडवाइजरी डेस्क के नंबर्स है जहाँ पे प्रकाश सिंह जी है, आप उनकी टीम से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको टेक्निकल एनालिस्ट से बात करवा देंगे। क्योंकि चार्ट में कई बार मेरे को जो लगता है कि क्या कि थोड़ा बहुत कंफर्मेशन अगर आपकी तरफ से मिल जाए, हाँ भाई जो मैं देख पा रहा हूँ वो सही है, करेक्ट करेक्ट, थोड़ा वो रहेगा सर। और क्या कि एक्चुअल में क्या बिजनेस पार्टनर के होने के नाते मेरे को लोगों को ट्रेड भी करानी होती है, करेक्ट, और गलत करेक्ट, उनको व्यू नहीं बता सकता मैं। डन डन डन, तो इसीलिए हाँ आप ये एडवाइजरी डेस्क है, आप एडवाइजरी डेस्क के कॉन्टेक्ट में रहिए, तो अकॉर्डिंगली वो आपको रिसर्च के, या हम में से किसी को भी आप कॉल कर लोगे, पिंकेश शाह मेरा नाम है, मोहिद्दीन खान, अनिशा अग्रवाल, हम में से किसी को भी अगर आप कॉल कर दोगे तो हम आपको कॉन्फ्रेंस कॉल में करवा देंगे टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है पिंकेश सर, मैं आपसे बात कर लिया करूंगा कभी जब भी मेरे को जरूरत हो। डन सर, डन सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। यस अजीत सिंह जी, आपको और कोई सवाल है? नो सर, नो, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। करेंसी पे अगर आप किसी को भी कोई भी व्यू जानना हो तो वो भी आप सवाल पूछ सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो हमने सेशन टेक्निकल का रखा था, बट यूएसडी आईएनआर या किसी भी करेंसी पे अगर आप किसी को भी कोई सवाल हो या करंट लेवल्स के बेसिस पे तो आप पूछ सकते हो। यस मिस्टर विशाल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सो थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए, वेलकम सर, पूछने के लिए, वेलकम वेलकम सर। मुझे एक चीज पूछनी थी, क्या इसके अंदर भी स्विंग ट्रेडिंग हो सकती है कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के हिसाब से, और अगर हो सकती है तो उसके लिए बेस्ट टाइमिंग क्या रहता है? जैसे नॉर्मली इक्विटीज के अंदर रफली 315 टू 330 के बीच में पोजीशंस ली जाती हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, तो वेदर दिस थिंग कैन बी डन इन करेंसी आल्सो, एंड व्हाट विल बी द बेस्ट टाइम टू टेक स्विंग ट्रेड? सर एक्चुअली कैंडलस्टिक पैटर्न्स जैसे मैंने पहले भी बोला था, ये स्विंग में भी अच्छे चलते हैं, और स्विंग में एक्चुअली जैसे जैसे टाइम फ्रेम्स आप बढ़ाओगे ना, जैसे जैसे टाइम फ्रेम्स बढ़ते हैं वैसे उसका रिलायबिलिटी भी बढ़ता है, तो स्विंग के लिए भी उसका रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप, आई विल टेल यू एज पर द चार्ट्स, अगर आप नॉर्मली डेली के चार्ट्स देखते हो, अगर डेली के चार्ट्स पर पैटर्न निकाल रहे हो, ठीक है, तो आपको डेली के चार्ट के हिसाब से जो भी पैटर्न बन रहा है उसके नेक्स्ट डे के ओपनिंग में ही लेना पड़ेगा। सपोज मेरा एक हैंगिंग मैन बन गया, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल ले देता हूँ, सपोज ये डार्क क्लाउड कवर है सर, ठीक है, ये मैं डेली का टाइम फ्रेम देख रहा था, और डेली के टाइम फ्रेम देखने के बाद ये फर्स्ट डे का कैंडल है, ये सेकेंड डे का, थर्ड डे को अगर ये लो ब्रेक हो जाता है ना सर, तो आपको पोजिशन वहां पे बना लेनी है, जब भी वो लो ब्रेक हो जाएगा तो योर पोजिशन बिकम्स, यू ओपन योर पोजिशन ऑन द थर्ड डे। और इफ यू आर अ कंजर्वेटिव ट्रेडर, अगर आपको फिर कंफर्मेशन चाहिए, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, तो आप क्या करोगे, थर्ड डे की क्लोजिंग के लिए रुकोगे, ये जो फर्स्ट कैंडल है ना
उसका अगर लो के नीचे क्लोज हो जाता है तब आप पोजिशन लोगे, बट मोस्टली थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर्स लो ब्रेक होने के बाद ही ले लेते हैं, बट इफ यू वॉन्ट कन्फर्मेशन देन आप क्लोजिंग के बाद ले सकते हो, एंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इन डेली टाइम फ्रेम. इट मींस जहां डेली चार्ट्स के ऊपर जो ट्रेड लेना है तो मॉर्निंग के अंदर लिया जा सकता है. यस, मॉर्निंग अगर आपको उसका ब्रेक मिल गया ना जी, तो तभी आप ले सकते हो. ओके सर, मेरे को एक सवाल और पूछना था. बताइए ना सर. हाँ सर, हम जब देखते हैं ना सर कि अपना चार्ट देखते हैं ट्रेड मूवी ऐप में, तो वन डे का हमारी कैंडल बनती है तो उसमें समझ में नहीं आता, वो मतलब आउट ऑफ सिलेबस हो जाती है. आप ज्यादा से ज्यादा हम 3 घंटे तक ये कैंडल यूज करते हैं, 1 month 3 घंटे 3 hour. ये पैटर्न लगता है इसमें करेंसी में. हाँ सर, मतलब बोलना, मतलब मैं समझा नहीं सर आपका क्वेरी. क्वेरी ये कि सर आप कह रहे हैं जैसे वन डे का चार्ट है, अगर मान लो मैं करेंसी पे लगाता हूँ तो वहां पे सर जो चार्ट हम लगाते हैं सेट करते हैं वो 1 month और मैक्सिमम 3 hour तक का लगता है. ओके, जैसे हम अगर मान लो शेयर पे लगाते हैं ट्रेड मूवी ऐप में तो 1 year 1 day लग जाता है हमारा. करेक्ट, करेंसी के लिए डेली नहीं लग जाता है, या फिर 5 year 1 day लग जाता है वो लग सकता है, पर ये तो वहाँ करेंसी में दिख नहीं रहा कभी. अच्छा पिंकेश, अगर ये क्वेरी रेज हो सकती है. यस, वी विल रेज दिस क्वेरी विद द ट्रेड मूवी टीम और सर हम देख लेंगे इसमें अकॉर्डिंगली वो चेंजेस करवा लेंगे. थैंक यू सर आपके फीडबैक के लिए. थैंक यू सर. या यस मिस्टर भास्कर, आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हो. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. एक्चुअली मैं ये शैडो करेंसी का भी क्या टारगेट रखना है वो एक सजेशन देना चाहता हूँ. एक्चुअली मैं 30 lot खड़ा हूँ. हेलो. यस सर. यस सर. हाँ जी, ये यूरो यूएसडी जीबीपी जून का क्या टारगेट? हाँ एक मिनट जी, जस्ट चार्ट लोड कर लेता हूँ.